Hello, Assalamu Alaikum students, how are you? This is Zubair, your own teacher. This is D1 Mathematics Review 4. This book is specially designed for year 6 and year 7 students. Book page number is 104 and the question number 9 is going on. I have already uploaded two videos of the same question. So this video consists of three parts. So if you want to understand this part now, you must have watched the two parts which I have already uploaded. You can watch these two parts, then you can come back here. Okay, whatever is your case, you can see from here to here whatever I have done. You can revise and even you can note down if you haven't noted down yet. And this one also. Now I'm going to fulfill the second demand of the question. अब मैं इसकी सेकंड डिमांड फुलफिल करने के लिए सेकंड डिमांड ये कहती है कि दोनों ने कुल मिला के कितना पैसा कमाया है, दोनों सहेलियों ने शिरले और केट जो भी हैं, फीमेल्स हैं कि मेल्स हैं, जो भी उन्होंने दोनों ने कुल मिला के कितना पैसा कमाया है। अगर तो शिरली को घंटे का दिया जाता है 5.5, शिरले जो थी, शिरली टोटल जो है उसको मालूम करने के लिए, शिरली का वैसे टोटल आ रहा था 27.5x, लेकिन अगर एक्स जो है ना बेसिकली उसकी घंटे की वेज जो बनती है ना, एक वन आवर की जो वेज बनती है, वन आवर की जो वेज बनती है, ऊपर लिखा हुआ है शिरले, वन आवर की वेज जो है वो डॉलर एक्स है, एक्स उसको शो कर रहा है। अगर तो एक्स का पता चल जाए कि एक्स क्या है, एक्स उसने कहा है कि जी 5.50 है, शिरले टोटल 27.5 को आप 5.5 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि उसके घंटे की उन्होंने बता दिए कितनी बनती है, उसकी वेज बनती है इतनी, शुरू में डॉलर भी लिखें, थोड़ा स्पेस डालें, शिरली का टोटल बनेगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से, अगर कैलकुलेटर नहीं है तो मैं आपको सामने करके दिखा लेता हूँ। 27.5 और 5.50 को मैं 5.5 ही लिखता हूँ। 5 5s are 25, 2 carry 5 7s are 35, 2 carry 37, 5 2s are 10, 11 12 13, इसी तरह से ये भी 5 7 3 और 1 आ जाएगा, 5 12 और यहाँ पे 11 और ये 5 और 151 हो जाएगा 25, दोनों को मल्टीप्लाई करके, अब मल्टीप्लीकेशन तो नहीं ना मैं आपको समझाने लगा, बड़े लेवल पे हैं। शिरले का टोटल ये आ गया। अब जनाब हम केट का टोटल निकाल लेते हैं। केट टोटल उन्होंने कहा है जी कि केट शिरली से ज़्यादा पैसे लेती है, केट लेती है जी 5.5 में मज़ीद 0.5 प्लस कर दे तो 6 बनता है। बुक का पेज नंबर 104 पे जाके देखें ना, अगर नहीं भी देखा तो मैंने कहा इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको क्वेश्चन भी पूरा पढ़ाया है, वहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन को तीन पार्ट्स में मुश्तमिल है। फर्स्ट पार्ट में मैंने पहले गौर से आपको कहा क्वेश्चन को पढ़ें, और अगर बुक नहीं भी है तो वहाँ पर फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन अवेलेबल होगा। अच्छा, उन्होंने कहा हुआ है कि अगर शिरली लेती है एक घंटे का 5.50 तो केट उससे 0.50 एक्स्ट्रा लेती है, तो दैट्स मीन कॉमन सेंस बनती है 5.50 में 0.5 और ऐड कर दें हाँ तो $6 बना। तो केट का टोटल मालूम करने के लिए, केट का वैसे फार्मूला की शेप में टोटल जो है वो 20y है, तो आप y की जगह पे केट का आवरली बता, अगर उसने बता दिया 6 है तो आपको पूरे 20 घंटों का मिल जाएगा। ठहरी, उसका टोटल 20 आवर्स ही बन रहे थे ना, हाँ 20 ये और नहीं नहीं 18 आवर्स की सैलरी बन रही थी 20 और वाई, इसलिए हमने एक घंटे का अब ये लिख दिया है और ये बन गया 120। अब जनाब हमें अब दोनों को कितने पैसे मिले हैं वो बताना है। क्वेश्चन की बेसिक डिमांड ये है, बोथ टोटल, जिस तरह इधर बताया ना टोटल बोथ, अब बोथ टोटल इधर इक्वेशन की फॉर्म में था, इधर डिजिट्स की फॉर्म में होगा। अब सवाल को ख़त्म होने लगा, डोंट वरी। ये आया था शिरले का टोटल 151.25 और ये आया था जी इसका केट का टोटल प्लस 120। 1 और 0 1 ही हो गया, 5 और 2 7, 1 और 1 2 और 0.25, और शुरू में डॉलर लिखना ना भूलें। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया आपने इतनी लंबी वीडियो को वॉच किया। मैं इधर स्टॉप कर रहा हूँ, आप लोग भी स्टॉप करके बेशक नोट डाउन कर लें। कुछ बच्चे ऐसे लेजी होंगे जिन्होंने अभी तक नोट डाउन नहीं किया होगा, ये लें भी कॉपी पेस्ट कर लें, अब आपके ऊपर डिपेंड है आप समझ के करते हैं कि कैसे करते हैं। और हाँ, अगर न्यू व्यूवर्स हैं तो